हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद शर्मा है। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो मैं यहां पे आपको पढ़ाने जा रहा हूं कक्षा दसवीं की साइंस, ठीक है। तो हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 9, आनुवांशिकता एवं जैव विकास, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो इस चैप्टर में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी और ऐसा लगेगा कि आपने पढ़ के भी कुछ जाना नहीं है, ठीक है। तो आप इसको एक से दो बार जरूर पढ़ें ताकि ढंग से क्लियर हो। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस लेसन में? तो पहले तो जानेंगे विविधताएं क्या होती हैं। विविधताएं मतलब एक ही जनक की संतति में क्या अंतर होते हैं। उसके अलावा मेंडल का योगदान पढ़ेंगे कि मेंडल ने वंशानुगति के लिए क्या नियम दिए हैं। वंशानुगति के पिता जो है वो ग्रेगर जोन मेंडल हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर हम उनके द्वारा एकल संकरण, द्विसंकरण ये चीजें सीखेंगे, ठीक है। फिर उसके द्वारा हम जीन के द्वारा लक्षणों का हस्तांतरण पढ़ेंगे। उसके अलावा फिर मानव में लिंग निर्धारण भी इस चैप्टर में है। फिर उपार्जित और आनुवांशिक लक्षण के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आगे चल के हम विकास पढ़ेंगे और विकास के प्रमाण के लिए समजात अंग, समरूप अंग और जीवाश्म, इन तीन चीजों को हम पढ़ेंगे। उसके अलावा हम डार्विन का जैव विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे, जाति उद्भव कैसे होती है वो जानेंगे, स्पेसिफिकेशन, और इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है ये सब भी पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें जब हम पढ़ेंगे तो हो सकता है कि वीडियो काफी लेंथी जाए। तो ये हमारा पार्ट वन है, ठीक है। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम पढ़ते हैं यहां से, ठीक है। हमने देखा कि जनन प्रक्रम द्वारा नए व्यष्टि उत्पन्न होते हैं, यानी हमने देखा कि जनन प्रक्रम द्वारा नए व्यष्टि, यानी जनन के द्वारा नए नए जीव, व्यष्टि माने जीव, उत्पन्न होते हैं जो जनक के समान होते हुए भी कुछ भिन्न होते हैं। हमने यह चर्चा की है कि अलैंगिक जनन में भी कुछ विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती हैं। तो बनने वाले जो प्रोटीन होते हैं उनमें विभिन्नताएं होती हैं, इसलिए अलैंगिक जनन में भी विभिन्नताएं होती हैं, लेकिन बहुत कम होती हैं। जितनी ज्यादा विभिन्नताएं लैंगिक जनन में होती हैं उससे बहुत कम अलैंगिक में होती हैं। अधिकतम संख्या में सफल विभिन्नताएं लैंगिक प्रजनन द्वारा ही उत्पन्न होती हैं। यदि हम गन्ने के खेत का अवलोकन करें तो हमें व्यष्टिगत पौधों में बहुत कम विभिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। मानव व अधिकतर जंतु जो लैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न होते हैं इनमें व्यष्टिगत स्तर पर अनेक भिन्नताएं परिलक्षित होती हैं। इस अध्याय में हम उन क्रियाकलापों का अध्ययन करेंगे जिनके कारण विभिन्नताएं उत्पन्न एवं वंशानुगत होती हैं। आप जानोगे कि कैसे विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और कैसे एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में गुण या लक्षण जाते हैं, जीन के बारे में पढ़ोगे, और विभिन्नताओं के संचयन के लंबे समय तक होने वाले अनुवर्ती प्रभाव का अध्ययन अत्यंत रोचक है तथा जीव जैव विकास में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो जैव विकास पढ़ते समय भी हम और भी चीजें जानेंगे। तो हम यहाँ तक तो इंट्रोडक्शन ही है। अब यहाँ पर एक आपको डायग्राम दिख रहा होगा कि ये एक जनक है, इसने दो को संतति को जन्म दिया, फिर इसने दो संतति को जन्म दिया। ये अलग अलग रंग इसलिए दिखा रखे हैं कि लैंगिक जनन के दौरान विभिन्नताएं दृष्टिगोचर होती हैं और वो विभिन्नताएं उनके जैव विकास का आधार बनती हैं, ठीक है। तो ये क्या लिखा है कि उत्तरोत्तर पीढ़ियों में विविधता की उत्पत्ति। विविधता मतलब क्या होता है कि एक ही माता पिता के जो संतानें होती हैं उनमें आपस में थोड़ा थोड़ा अंतर होना, इसको विविधताएं कहते हैं, ठीक है। आनुवांशिकता क्या होता है आप ये भी समझ ले। माता पिता से उनके संतानों में लक्षणों का हस्तांतरण, माता पिता से उनके संतानों में लक्षणों या गुणों का हस्तांतरण आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी कहलाता है। तो आनुवांशिकता जो होता है ना वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, ठीक है। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि जो आनुवांशिकता होता है ना इसकी सूचना एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में कौन ले जाते हैं, तो गुणसूत्र पे बनने वाले जीन कह लो, तो जीन जो होते हैं वो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में लक्षणों को या गुणों को ले जाते हैं। विभिन्नताएं क्या होती हैं,
जाति के व्यष्टि यानी सदस्यों, एक ही जाति के सदस्यों के बीच जो गुणों में भिन्नता या लक्षणों में भिन्नता होती है तो उसी को विविधता यानी वेरिएशन कहते हैं। तो आप देखते हो कि कई मनुष्य छोटी लंबाई बड़ी लंबाई के होते हैं एक ही माता पिता के होते हुए, तो इन्हीं को भी भिन्नताएं कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है उत्तरोत्तर पीढ़ियों में विविधता की उत्पत्ति, शीर्ष पर दर्शाए गए पहली पीढ़ी के जीव मान लीजिए कि दो संतति को जन्म देंगे जिनके आधारभूत शारीरिक संरचना तो एक समान होगी परंतु विभिन्नताएं भी होंगी। इनमें से प्रत्येक अगली पीढ़ी में दो जीवों को उत्पन्न करेगा और चित्र में सबसे नीचे दिखाए गए चारों जीव व्यष्टि स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होंगे। कुछ विभिन्नताएं विशिष्ट होंगी जबकि कुछ उन्हें अपने जनक से प्राप्त हुई हैं जो स्वयं आपस में एक दूसरे से भिन्न थे। तो यानी है तो ये समान, शरीर का विकल्प भी समान है, बनने वाला जो डीएनए वो भी समान है, लेकिन कुछ ना कुछ जो है एक दूसरे में भिन्नताएं हैं, थोड़ा थोड़ा इनमें अंतर होता है। ठीक है, सभी संततियां एक दूसरे से थोड़ी अलग है, यही इनके जैव विकास और इनके जीवन के लिए अनुकूलित होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं यहां से जो हमारा ऊपर था, जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। देखो जो लैंगिक जनन होता है तो उसमें विभिन्नताएं बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन जो अलैंगिक जनन होता है उसमें विभिन्नताएं बहुत ही कम होती हैं। पूर्ववर्ती पीढ़ी से वंशागति संतति को, पूर्ववर्ती पीढ़ी मतलब पहले की पीढ़ियां दादा परदादा, तो पूर्ववर्ती पीढ़ियों से वंशागति संतति को एक आधारित शारीरिक अभिकल्प यानी डिजाइन और कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती हैं। तो हर संतति को अपने पिता से पूर्वजों से कुछ शारीरिक अभिकल्प और कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होते हैं यानी डीएनए और जीन प्राप्त होते हैं। अब जरा सोचिए कि इस नई पीढ़ी के जनन का क्या परिणाम होगा। दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी से आहरित विभिन्नताएं एवं कुछ नई विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी जो कि उनके विकास के लिए बहुत जरूरी है, आवश्यक है पर्यावरण के लिए जीवित रहने के लिए। ठीक है, पर्यावरण में जीवित रहने के लिए। चित्र 9.1 में उस स्थिति को दर्शाया गया है जबकि केवल एकल जीव जनन करता है जैसा कि अलैंगिक जनन में होता है। यदि एक जीवाणु विभाजित होता है तो समांतर दो जीवाणु उत्पन्न होते हैं जो पुनः विभाजित होकर चार व्यष्टिगत जीवाणु उत्पन्न करेंगे जिनमें आपस में बहुत अधिक समानता होगी, उनमें आपस में बहुत कम अंतर होगा जो डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून माने छोटी छोटी त्रुटियों के कारण उत्पन्न हुई होंगी। परंतु यदि लैंगिक जनन होता है तो विविधता अपेक्षाकृत और अधिक होती है। इसके विषय में हम अनुवांशिकता के नियम की चर्चा करते समय देखेंगे। तो हम ये सीखेंगे कि विभिन्नताएं जो होती हैं वो सबसे ज्यादा लैंगिक जनन में ही होती हैं। क्या किसी स्पीसीज की इन सभी विभिन्नताओं के साथ अपने अस्तित्व में रहने की संभावना एक समान है? देखो ये जो विभिन्नताएं होती हैं वो ज्यादा उग्र नहीं होनी चाहिए, वो पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए जो उनको जीने में हेल्प करे और जीव विकास का आधार बने। अगर विभिन्नताएं बहुत ज्यादा उग्र हो जाती हैं तो संतति जो होती है वो मर जाती है। निश्चित रूप से नहीं, प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्न जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। उष्णता को सहन करने की क्षमता, उष्णता माने गर्मी, गर्मी को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। तो उनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्त का चयन जैव विकास प्रक्रम का आधार बनता है, यानी पर्यावरण कारकों के द्वारा उत्तम जीवों का विकास जैव विकास प्रक्रम का ही आधार है। पर्यावरण ही चुनती है कि कौन डीएनए या कौन जीव जिंदा रहेंगे और कौन मतलब मर जाएंगे, जिसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आ गया है, ये चीज समझने के लिए कुछ चीजें जो होती हैं वो हमें थोड़ी पहले से आनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सब हम अभी थोड़े समय में अभी आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, पहले हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा लक्षण बी उसी समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा? तो संभवतः लक्षण ए ही पहले उत्पन्न हुआ होगा क्योंकि पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ नई विभिन्नताएं परिलक्षित होती हैं।
ये नई विभिन्नताएं यदि वातावरण के अनुकूल होती हैं तो उनकी प्रतिशत संख्या समष्टि में अधिक हो जाती है। देखो इसका उत्तर हुआ लक्षण ए। लक्षण ए में जो परिवर्तन है वो भले ही 10% है, लेकिन ये शुरू में अलैंगिक प्रजनन ही होता था, तो इस वजह से शुरू के ये जो लक्षण है, यही लक्षण के जो पत्तियां होंगी, संतान होंगी, उनमें यही लक्षण होगा। ठीक है, विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीसीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है? पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन से किसी भी स्पीसीज को या स्पीसीज की संतति जो होती है ना, उसको जीवित रहने में हेल्प करती है। तो पर्यावरण के अनुकूल जो चयन होता है वही जैव विकास का आधार है, यानी जो स्पीसीज पर्यावरण के साथ अनुकूलित हो पाती है वही जीवित रहती है और उनकी संख्या बढ़ती है, अस्तित्व बना रहता है। जो पर्यावरण के अनुकूलित नहीं होती वो समष्टि मर जाती है। ठीक है, अनुवांशिकता, जन अनुवांशिकता मैंने बताया, माता पिता के जो लक्षण होते हैं, माता पिता के लक्षणों का उनकी संतति में स्थानांतरण को अनुवांशिकता कहते हैं, या माता पिता से उनके संतानों में लक्षणों के स्थानांतरण को अनुवांशिकता कहते हैं, इंग्लिश में होते हैं इसे हेरिडिटी। जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम संतति के जीवों के समान डिजाइन यानी अभिकल्प का होना है। देखो जनन के दौरान जो संततियां होती हैं वो अपने जनकों के समान दिखती हैं, उनके शरीर का डिजाइन अभिकल्पना डीएनए एक समान होता है। अनुवांशिकता नियम इस बात का निर्धारण करते हैं कि जिनके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशानुगत होते हैं, यानी वंशानुगत मतलब माता पिता के लक्षणों का किस संतति में स्थानांतरण। तो आइए इस नियम का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। अब हम पढ़ेंगे वंशागत लक्षण। वास्तव में समानता एवं विभिन्नताओं से हमारा क्या अभिप्राय है? हम जानते हैं कि शिशु यानी बच्चों में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं, फिर भी यह पूर्ण रूप से अपने जनक जैसा दिखाई नहीं पड़ता तथा मानव समष्टि में यह विभिन्नता स्पष्ट दिखाई देती है। यानी एक ही माता पिता की संतान होती है, लेकिन उनमें ना जरूर कुछ अंतर होता है, ऊंचाई लंबाई रंग रूप आकार बोलचाल चलने का ढंग बैठने का ढंग, ठीक है, कहीं ना कहीं तो अंतर होता ही है। तो यहाँ पे हमें कोई एक क्रियाकलाप लेके हमें बताना चाहते हैं कुछ। अपनी कक्षा के सभी छात्रों के कान का अवलोकन कीजिए, ऐसे छात्रों की सूची बनाइए जिनकी कर्णपाली यानी ईयर लोब स्वतंत्र हो, यानी खुली तरीके से लटका हो, जैसे कि यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं खुली तरीके से लटका है और इसका सटा हुआ है। ठीक है, तो कर्णपाली स्वतंत्र हो और जुड़ी हुई हो। जुड़े कर्णपाली वाले छात्रों एवं स्वतंत्र कर्णपाली वाले छात्रों के प्रतिशत की गणना कीजिए। प्रत्येक छात्र के कर्णपाली के प्रकार को उनके जनक से मिलाकर, माता पिता से मिलाकर देखिए बच्चों के कान। इस परीक्षण के आधार पर कर्णपाली के वंशानुगति के संभावित नियम का सुझाव दीजिए। तो हम यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं कि माता पिता के जैसे कान होते हैं तो उनकी जो संतान होते हैं उनके भी लगभग कान ऐसे ही होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि माता पिता के जो लक्षण है वो उनकी पीढ़ियों में वंशानुगत हुए हैं। तो चित्र में क्या बताया था कि स्वतंत्र तथा जुड़े कर्णपाली, कान के निचले भाग को कर्णपाली कहते हैं और यह कुछ लोगों के सिर के पार्श्वों में पूर्ण रूप से जुड़ा होता है, पीछे की तरफ ऐसे पूरा जुड़ा होता है, परंतु कुछ नहीं। स्वतंत्र और जुड़े कर्णपाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्त है। ठीक है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि माता पिता के जो गुण है वो बच्चों में जा रहे हैं, वंशानुगत हो रहे हैं माता पिता के लक्षण। लक्षणों की वंशानुगति का नियम और मेंडल का योगदान, अभी हम मेंडल के बारे में भी पढ़ेंगे। लक्षणों की वंशानुगति के माता पिता के लक्षण जो है ना, वो उनकी पीढ़ियों में वंशानुगत होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं। इस बात के लिए मेंडल ने कुछ योगदान दिया है, उन्होंने कुछ प्रयोग करा था, उस प्रयोग के माध्यम से हमें वंशानुगति का नियम बताया कि माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो उनकी संतानों में जाते हैं। तो इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। मानव में लक्षणों की वंशानुगति के नियम इस बात पर आधारित है कि माता और पिता दोनों ही समान मात्रा में अनुवांशिक पदार्थों को संतति यानी शिशु में स्थानांतरित करते हैं। देखो याद रहे कि माता पिता दोनों ही अपने लक्षणों को अपनी अगली पीढ़ी में वंशानुगत करते हैं, लेकिन जो एक होता है वो प्रभावी होता है और एक अप्रभावी होता है। प्रभावी अप्रभावी उस जीन में बनने वाले प्रोटीन के कारण होता है, और जो प्रोटीन होते हैं उसको उसके अंदर होते हैं एंजाइम या जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक अगर ज्यादा हार्मोन बनाते हैं तो प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, अगर वो कम हार्मोन बनाते हैं तो वो अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। डोमिनेंट माने प्रभावी और रिसेसिव माने अप्रभावी।
तो प्रभावी जो होता है वो अपना प्रभाव दिखाता है और अपने लक्षणों को पूर्ण दिखाता है, लेकिन जो अप्रभावी होता है वो दब जाता है प्रभावी से, नहीं तो वो भी अगर स्वतंत्र होता है तो वो भी अपना प्रभाव दिखाता है, जिसको भी थोड़ी देर में हम आगे पढ़ेंगे। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक लक्षण माता और पिता के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं, अतः प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में दो विकल्प होंगे। फिर संतति में यानी संतान में कौन सा लक्षण परिलक्षित होगा? मेंडल ने इस प्रकार की वंशानुगति के कुछ मुख्य नियम प्रस्तुत किए। उन प्रयोगों के बारे में जानना अत्यंत रोचक होगा जो उसने लगभग एक शताब्दी से भी पहले किए थे। यहाँ पे आपको तस्वीर दिख रही है, ये ग्रेगर जॉन मेंडल की है। तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जीवन काल 1822 से 1884 तक रहा, ठीक ठाक रहा। मेंडल की प्रारंभिक शिक्षा एक गिरजाघर में हुई थी, गिरजाघर मतलब चर्च जैसा, तथा वह विज्ञान और गणित के अध्ययन के लिए वीना विश्वविद्यालय गए। अध्यापन हेतु सर्टिफिकेट की परीक्षा में असफल होना उनकी वैज्ञानिक खोज की प्रवृत्ति को दबा नहीं सका। वे अपने मोनेस्ट्री में वापस गए और मटर के पौधे पर प्रयोग करना प्रारंभ किया। देखो इसमें कई चीजें पूछी जाती हैं कि उन्होंने मटर का पौधा ही क्यों चुना। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम है और मटर के पौधे को उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि मटर के पौधे में विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। कई लक्षण जैसे बीज का आकार देखें तो वो गोल या झुर्रीदार हो सकता है, रंग के आधार पर बीज पीले हो सकते हैं या हरे हो सकते हैं, और ऐसी फूलों के आधार पर फूल बैंगनी और सफेद हो सकते हैं, और फूल लंबाई के आधार पर कोई पौधा लंबा या बोना भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे जो मटर के पौधों में गुण थे इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे को ही चुना। बाकी और कोई चीज अगर चुने तो उसका जीवन काल बहुत लंबा होता है और मटर का जीवन काल छोटा होता है। इस पर जल्दी जल्दी गणितीय और साइंस प्रयोग किए जा सकते थे, इसलिए मेंडल ने बड़े सोच समझ के मटर के पौधे पे ही प्रयोग किया। और उसमें उन्होंने बताया कि जो मटर जो होता है वो अपने जो भी उनके अंदर जो गुण होते हैं तो वो अपने अगली संतति को स्थानांतरित करते हैं जीन के माध्यम से, ठीक है। अच्छा, जीन वीन के बारे में ना मेंडल जानते नहीं थे, उन्होंने इसके लिए कारक वर्ड यूज किया था, फैक्टर, ठीक है। तो उनसे पहले भी बहुत से वैज्ञानिकों ने मटर एवं अन्य जीवों के वंशागत गुणों का अध्ययन किया था, परंतु मेंडल ने अपने विज्ञान एवं गणितीय ज्ञान को समर्पित किया। वह पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के एक एक पौधों द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड रखा तथा उनकी गणना की। इससे उन्हें वंशागत नियमों के प्रतिपादन में सहायता मिली। और जिसका वंशानुगति के नियम के पिता कौन है, मतलब ये पूछा जाता है कि वंशानुगति के नियम फादर ऑफ हेरिडिटी कौन है, तो आपको याद रखना है वह है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए और इस प्रयोग पे उन्होंने वंशानुगति के नियम को बताया, उसको हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो पढ़ते यहां से, मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक विपर्यासी यानी वैकल्पिक लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देता है। उन्होंने गोल या झुर्रीदार बीज, लंबे या बोने पौधे, सफेद या बैंगनी फूल इत्यादि लक्षण देखे। उसने विभिन्न लक्षण वाले मटर के पौधे को लिया, जैसे कि लंबे पौधे और बोने पौधे। अभी उन्होंने एक ही गुण वाला लिया है एकल संकरण कराने के लिए, जिसमें एक ही गुणों का वंशानुगत होता है, वंशानुगत होते हैं एक ही गुण, तो लंबे और बोने। इससे प्राप्त संतति में लंबे और बोने पौधे के प्रतिशत की उन्होंने गणना की। तो प्रथम संतति पीढ़ी अथवा एफ1 में कोई भी बीज की लंबाई का ऊंचाई का नहीं था। अभी मैं इसको बताता हूं आपको। देखो यहाँ पे चित्र में दिख रहा है कि ये जो लंबा पौधा है इसमें दो कारक या दो जीन दिख रहे हैं, दोनों बड़े टी लिखे गए हैं। ये प्रभावी लक्षण है, प्रभावी लक्षण जो होते हैं वो अपने गुणों के या अपने लक्षणों को पूर्ण रूप से दिखाते हैं, और जो छोटे छोटे होते हैं छोटा टी या प्रभावी लक्षण है, ये अपने गुणों को पूर्ण रूप से नहीं दिखा पाते। तो उन्होंने दो पौधे चुना, एक लंबा और एक बोना, और लंबे पौधे को हम लिख देते हैं चलो टी टी, और छोटे पौधे को लिख देते हैं छोटा टी। ये दो क्यों लिखा है, क्योंकि जो जीन होते हैं या कारक होते हैं वो जोड़े में पाए जाते हैं, जिनमें से आधे अगली पीढ़ी में जाते हैं, आधे जनक के पास रहते हैं, तो जनन में दो जीन भाग लेते हैं, ठीक है। तो हमने ना एक बड़ा टी एक छोटा टी लिया। अब ना हमने इसको आपस में संकरण कराया, देखो ये दोनों को आपस में क्रॉस यानी संकरण कराया गया है, तो जनन कराया गया इनमें कैसे जनन होता है, तो
तो इसमें होता है लैंगिक जनन। ठीक है, तो जब उन्होंने कराया तो क्या देखा कि ये जो बड़ा टी है, उन्होंने ऐसे मान लेते हैं डब्बे बनाए होंगे, तो टी टी बड़ा टी हमने यहाँ लिख दिया और ये छोटे टी को हमने यहाँ और यहाँ लिख दिया। इस बड़े टी को इसके साथ लिखेंगे तो बड़ा टी छोटा टी, इस बड़े टी को इसके साथ लिखेंगे तो बड़ा टी छोटा टी, ऐसे इसको इसके साथ लिखेंगे तो बड़ा टी छोटा टी और बड़ा टी छोटा टी। बड़ा प्रभावी होता है तो हम उसको पहले लिखने हैं, छोटा अप्रभावी होता है इसको हम पीछे लिखते हैं। आप देख रहे हैं कि आपका पहला F1 पीढ़ी हो गया। तो दो जनक जब संकरण करते हैं और जो पहली संतान होती है तो उसी को हम बोलते हैं F1 जनरेशन। F1 मतलब होता है फिलियल जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन और फिलियल जनरेशन। ठीक है, F1 लिखते हैं, ऐसे आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने इसमें से दो पौधे लिए, मतलब बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, और इनमें आपस में अब क्या कराया, स्वयं परागण कराया या सेल्फ पोलिनेशन कराया या सेल्फ क्रॉसिंग। तो बड़ा टी यहाँ, छोटा टी यहाँ, फिर ये बड़ा टी यहाँ और ये वाला छोटा टी यहाँ, तो इन दोनों को ऊपर लिखना है और इस वाले को नीचे लिखना है। अब इस बड़ा टी को बड़े टी के साथ क्रॉस कराने पे बड़ा टी ये लंबा पौधा हुआ, इसको इसके साथ कराएंगे तो बड़ा टी छोटा टी ये भी लंबा ही होगा, क्योंकि अपने गुण दिखाने के लिए दोनों प्रभावी या एक प्रभावी भी चलेगा, तो इसीलिए ये भी लंबा माना गया। और ऐसे ही बड़ा टी छोटा टी मिलेगा तो पहले बड़ा टी फिर छोटा टी, ये भी लंबा पौधा हुआ। अब ये छोटा टी मिला तो ये बोना हुआ। तो हम देख रहे हैं साफ साफ कि क्या क्या निकल के आ रहा है। तो हमने देखा कि एक टी टी निकल के आ रहा है, एक टी फिर छोटा टी, टी और फिर छोटा टी और फिर दोनों छोटा टी छोटा टी। तो हम देख रहे हैं कि तीन पौधे लंबे एक बोना पौधा है, तो 3:1 का अनुपात आया। तीन पौधे लंबाई के बड़े थे और तीन लंबाई में छोटे थे, तो इस अनुपात को बोलते हैं फीनोटाइप। क्या बोलते हैं इसको? फीनोटाइप। जो गुण दिखाई दें उन्हें फीनोटाइप कहते हैं। अब देखो यहाँ पे ये दोनों टी हैं, ये दोनों सेम हैं और ये फिर एक सेम है, दोनों बड़े टी हैं, ये दोनों छोटे टी हैं, और यहाँ पे एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, तो यानी ये भी लंबे, ये भी लंबे, ये भी लंबे। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि इनमें जो जीन है वो एक समान है, इनमें जीन एक समान है, इसमें भी जीन या कारक एक समान है, तो इसको कहते हैं 1:2:1 और इसको बोलते हैं जीनोटाइप। ठीक है, ये जीनोटाइप है और ये 3:1 फिनोटाइप है, तो इसको बोला गया F2 पीढ़ी दूसरी जनरेशन। तो उन्होंने देखा कि पहली पीढ़ी में तो सभी पौधे एक समान ऊंचाई के लंबे थे और पहला जो प्रभावी गुण या बोनापन वाला पौधा था उसके गुण दब गए। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि जब हमने दूसरी पीढ़ी लिया तो दूसरी पौध पीढ़ी में फिर हमें कुछ और लक्षण नजर आते हैं, तो वो लक्षण ये नजर आते हैं कि तीन पौधे लंबे और एक बोना पौधा दिखता है, इसे बोलते हैं फीनोटाइप। और फिर जीनोटाइप 1:2:1 बताया उन्होंने। ठीक है, इसका मतलब उन्होंने ये बताया कि माता पिता दोनों से ही उसकी संतति में लक्षणों का स्थानांतरण होता है, तो जो प्रभावी होता है वो अपना प्रभाव ज़्यादा दिखाता है और जो अप्रभावी होता है उसका प्रभाव बहुत कम दिखता है, तो इसीलिए उनका अनुपात 3:1 है, यानी 75% इसका और 25% इसका। सभी पौधे लंबे थे, इसका अर्थ था कि दो लक्षणों में से केवल एक पैतृक जननीय लक्षण ही दिखाई देते हैं, मतलब किसी भी पेरेंट्स से लक्षण तो बराबर ही जाते हैं उसकी संतति में, लेकिन जो प्रभावी होता है वो दिखाई देने लगता है और प्रभावी दब जाता है, उन दोनों का मिश्रित प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है। तो अगला प्रश्न था कि क्या F1 पीढ़ी के पौधे अपने पैतृक लंबे पौधे से पूर्ण रूप से समान थे? तो मेंडल ने अपने प्रयोगों में दोनों प्रकार के पैतृक लक्षणों पौधों एवं F1 पीढ़ी के पौधों को स्वयं परागण द्वारा उगाया। तो पैतृक पीढ़ी के पौधे से प्राप्त सभी संतति भी लंबे पौधे की थी, परंतु F1 पीढ़ी के लंबे पौधे की दूसरी पीढ़ी अर्थात F2 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे नहीं थे, वरन उनमें से 1/4 यानी 4 में से एक पौधा बोना था। यह इंगित करता है कि F1 पौधे द्वारा लंबाई एवं बोनेपन दोनों लक्षणों यानी विशेषकों की वंशानुगति हुई है, परंतु केवल लंबाई वाला ही लक्षण व्यक्त हो पाता है। अतः लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले जीवों में किसी भी लक्षण के दो प्रतिकृति की वंशानुगति होती है और ये दोनों एक समान हो सकते हैं अथवा भिन्न भी हो सकते हैं, जो उनके जनक पर निर्भर करता है। इस परिकल्पना के आधार पर वंशानुगति का तैयार किया गया एक पैटर्न चित्र में यहाँ दिखाया गया है। तो अभी आपने देखा कि लंबे और बोने को हम क्रॉस कराते हैं तो जो पहली संतति होती है उसमें सभी पौधे लंबे हैं, जब इन दोनों में से दो पौधा लेकर उनमें स्वयं परागण कराते हैं
तो उनमें तीन पौधे लंबे और एक बुना पौधा होता है, जो बता रहा है कि माता पिता दोनों से ही मतलब जो लक्षण होते हैं उनकी वंशानुगति होती है। वंशानुगति मतलब माता पिता के लक्षणों का उनकी पीढ़ियों में जाना, बच्चों में जाना। ठीक है, अगला है कि चित्र, चित्र 9.3 यानी जो अभी आपने ये जो चित्र पढ़ा था इसकी बात कर रहा है। तो हम कौन से प्रयोग करते हैं जिससे सुनिश्चित होता है कि F2PD में वास्तव में बड़ा टी TT और TT का संयोजन 1:2:1 में प्राप्त होता है। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जब शुद्ध लंबे मटर के पौधे को शुद्ध बोने पौधे के साथ पर परागण कराया जाता है या स्वयं परागण कराया जाता है, तो सभी पौधे जो पहली पीढ़ी में होते हैं वो लंबे होते हैं पर परागण में, और उसके बाद जब पहली पीढ़ी के में हम दो पौधे चुनते हैं और उनमें जब स्वयं परागण कराते हैं तो तीन पौधे लंबे एक पौधा बोना मिलता है, और ये कहलाता है फिनोटाइप 3:1। लेकिन जो 1:2:1 होता है ये कहलाता है जीनोटाइप, ये जीन की संरचना के अनुसार ऐसा होता है तो इसे जीनोटाइप कहते हैं। इस व्याख्या में बड़ा टी और बड़ा टी छोटा टी दोनों ही लंबे पौधे हैं जबकि केवल टी बोने पौधे हैं। दूसरे शब्दों में बड़े टी की एक प्रति ही पौधे को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है जबकि बोनेपन के लिए छोटे टी की दोनों प्रतिकृतियां होनी चाहिए। तो अगर लंबा पौधा बनाना है तो एक टी से भी काम चल जाएगा या दोनों टी, लेकिन जब बोना पौधा है तो उसके लिए दोनों छोटे टी होने ही चाहिए। तो टी जैसे लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं डोमिनेंट, और जबकि जो लक्षण छोटे टी की तरह व्यवहार करते हैं उन्हें अप्रभावी कहते हैं यानी रिसेसिव। तो चित्र 9.4 में कौन सा लक्षण प्रभावी और कौन सा अप्रभावी है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि तीन है और ये एक है, तो ये प्रभावी हुआ या अप्रभावी हुआ। तो क्या होता है जब मटर के पौधे में एक विकल्प वाले जोड़े के स्थान पर अब दो विकल्प वाले जोड़ों का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाता है। तो अभी तक आपने जो पढ़ा था वो केवल एक विकल्प वाला या एक गुणों वाले लक्षण पढ़े थे जो एक गुणों की वंशानुगति होती है, अब हम दो गुणों की वंशानुगति पढ़ेंगे। गोल बीज वाले लंबे पौधे का यदि झुर्रीदार बीज वाले बोने पौधे के साथ संकरण कराया जाए तो प्राप्त संतति कैसी होगी। F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे एवं गोल बीज वाले होंगे, अतः लंबाई तथा गोल बीज प्रभावी लक्षण है। परंतु क्या होता है जब F1 संतति में स्वनिषेचन से F2 पीढ़ी की संतति प्राप्त होती है। मेंडल द्वारा किए गए पहले प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि F2 संतति के कुछ पौधे गोल बीज वाले पौधे लंबे पौधे होंगे तथा कुछ झुर्रीदार बीज वाले बोने पौधे, परंतु F2 की संतति में कुछ पौधे नए संयोजन प्रदर्शित करेंगे यानी नए गुण। उनमें से कुछ पौधे लंबे परंतु झुर्रीदार बीज तथा कुछ पौधे बोने परंतु गोल बीज वाले होंगे, अतः लंबे या बोने लक्षण तथा गोल या झुर्रीदार लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। और एक और उदाहरण चित्र 9.5 में दर्शाया गया है, यहाँ पे आप दिख रहा होगा 9.5 इधर से शुरू है इधर से, ठीक है, इनका 9.5 दो अलग अलग लक्षणों यानी बीजों की आकृति और रंग की स्वतंत्र वंशानुगति। तो इसमें बीज और उसके बीज की आकृति और रंग पर ध्यान दिया गया है। तो हम देखते हैं यहाँ पे आपको यहाँ दिख रहा होगा बड़ा आर गोल को दर्शा रहा है, बड़ा छोटा वाई हरे बीज को दर्शा रहा है। इसका हमें संकरण करना है या क्रॉस करना है किसके साथ, तो छोटा आर यानी झुर्रीदार और वो बड़ा वाई मैंने पीले बीज, तो हम इसमें से एक युग्मक बनाएंगे, ये युग्मक लेंगे वाई एक वाई इसमें से RY, फिर इसको मिलाकर F1 संतति पाएंगे जिसमें सभी पौधे एक ही जैसे होंगे गोल और पीले बीज वाले। फिर हम उनमें संकरण कराएंगे तो हमें यह अनुपात मिलेगा 9:3:3:1। तो यानी उन्होंने जो प्रयोग किया था मेंडल ने उनके 556 बीज थे जिनका अनुपात ऐसे आया था और टोटल ये 16, तो गोल पीले गोल हरे झुर्रीदार पीले झुर्रीदार हरे, तो इसमें नए लक्षण वाले बीज भी हमें नजर आते हैं। ठीक है, तो इसको हम पूरे अपना करके दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो हमने दो विकल्प वाले लक्षण वाले
पौधे ले लिए हैं और अभी हम इसमें संकरण पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये पौधा जो है इसमें गोल और हरे बीज हैं, और ये जो पौधा है इसमें जोरीदार और पीले बीज हैं, ठीक है। तो इनके पास दो युग्मक हैं या जीन है, दो युग्मक हैं। तो पहले हम इस आर के साथ इस वाई का एक युग्मक बनाएंगे, दो दो गुण वाला, तो आर छोटा वाई। फिर इसका हम इसके साथ बनाएंगे, तो आर छोटा वाई। फिर इसका हम इस पहले के साथ बनाएंगे, तो बड़ा आर छोटा वाई। फिर इस दूसरे वाले आर का दूसरे वाले छोटे वाई से करेंगे, तो आर छोटा वाई। ऐसे हम इसका बनाएंगे एक दो, फिर इसका बनाएंगे एक और ये दो, तो चार बनेंगे, आर बड़ा वाई छोटा आर बड़ा वाई छोटा आर बड़ा वाई छोटा आर बड़ा वाई। ये आपके हो गए युग्मक, जिसे हम बोलते हैं गैमेट्स, ठीक है। अब इन गैमेट्स में आपस में क्या कराना है, इनमें ना क्रॉस करवाना है, ठीक है, मतलब परागण करवाना है, पर परागण, ठीक है। तो पर परागण के लिए हमने एक बॉक्स बना लिया है, एक दो तीन चार, ऐसे यहां से भी हम कर लेंगे, एक दो तीन चार, ठीक है, थोड़ा बड़ा ही बना लेते हैं। इसको आप यहां लिख सकते हो, इसके चारों युग्मक आप यहां लाइन से लिख लें। अब देखो इन दोनों को मिलाकर यहां लिखना है, ठीक है। तो इस बड़े को पहले लिखेंगे बड़ा आर फिर छोटा आर, ऐसे ही बड़ा वाई पहले लिखेंगे, ये प्रभावी होता है, ये प्रभावी है, और ये छोटा वाई बाद में। प्रभावी लक्षण पहले लिखना है, अप्रभावी को बाद में लिखना है। ऐसे आप ना देखोगे तो सारे ना एक जैसे ही नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी पहली पीढ़ी हो गया, और इसमें सभी पौधे एक जैसे ही लग रहे हैं, इनका युग्मक एक जैसा लग रहा है, ठीक है। सारे फॉर्मूले आपको बिल्कुल एक जैसे लगेंगे। तो ये आपके हो गया F1 पीढ़ी, पहली जनरेशन। इसमें सभी पौधे आपको बड़ा आर का मतलब हुआ गोल, तो सभी पौधे आपको क्या लग रहे हैं, गोल, और बड़ा वाई का मतलब पीले, तो सभी पौधे ना गोल पीले बीज वाले हो गए, ठीक है। अब हम ना इनमें से दो पौधा चुन लेते हैं, जैसे कोई भी दो पौधा ले सकते हो आप। अब इनके हम युग्मक बनाएंगे, तो बड़ा आर बड़ा वाई, इस बड़े आर का छोटे वाई से बनाएंगे, तो बड़ा आर छोटा वाई। अब छोटे आर का बड़े वाले वाई से बनाएंगे, फिर छोटे आर का छोटे वाले वाई से बनाएंगे, ऐसे इसमें भी एक दो तीन चार ऐसे बनाएंगे, तो आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई, ठीक है। तो ये भी आपके युग्मक हो गया, ये दोनों जनक हो गया, इसको आप जनक लिख लें, पेरेंट्स, ठीक है। यहाँ पे भी आपको यहाँ जनक लिख सकते थे, पेरेंट्स। अब हम क्या करेंगे कि इनका आपस में स्वयं परागण कराने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम ये चार इधर लिख लेंगे, बड़ा आर बड़ा वाई बड़ा आर छोटा वाई, ये वाले छोटा बड़ा छोटा छोटा, ऐसी बड़ा आर बड़ा वाई बड़ा आर छोटा वाई छोटा आर बड़ा वाई छोटा आर छोटा वाई, ठीक है, हमने लिख लिया। इसको मिला के आप लिखेंगे ना, तो पहले लिखेंगे बड़ा आर बड़ा आर बड़ा वाई बड़ा वाई, फिर इसको इसके साथ लिखेंगे बड़ा आर बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई, फिर ये बड़ा आ रहा है ये छोटा आ रहा है, तो बड़ा आपको पहले लिखना है छोटा बाद में लिखना है, ठीक है। ऐसे ये बड़ा आर छोटा आर फिर बड़ा वाई छोटा वाई, ऐसे इसको मिला के लिखोगे आर आर बड़ा वाई छोटा वाई, फिर इसको मिलाओगे आर आर छोटा वाई छोटा वाई, इसको इसको मिलाओगे आर आर बड़ा वाई छोटा वाई बड़ा आर छोटा आर छोटा वाई छोटा वाई, इसको इसके साथ मिलाओगे तो बड़ा आर छोटा वाई बड़ा वाई बड़ा वाई बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई छोटा आर बड़ा वाई छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई बड़ा आर छोटा आर छोटा वाई छोटा वाई,
छोटा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई छोटा आर छोटा आर छोटा वाई छोटा वाई, ठीक है। तो जो आर है, आर का मतलब होगा गोल, और छोटा आर होगा तो मतलब होगा झुर्रीदार, और अगर बड़ा वाई होगा तो उसका मतलब हरे बीज, और छोटा वाई होगा तो पीले बीज। तो यहाँ पर ढूंढो, अब हमें सिर्फ पहला और ये पहला देखना है, ठीक है। तो पहला वाला ही अगर बड़ा आर है तो ये हो गया गोल, और बड़ा वाई है तो पीले, मतलब सॉरी बड़ा वाई है तो हो गया पीले, बड़ा वाई के लिए पीले, छोटे वाई के लिए हरे, तो गोल पीले। और फिर ऐसे ही आपको सारे दिखेंगे, अब नाम लिखते चलेंगे, ये भी बड़ा आ रहा है तो गोल, और बड़ा वाई है तो पीले, तो ये भी आपका गोल पीले, ये भी आपका गोल पीले, फिर ये भी आपका गोल पीले, ये गोल और छोटा भाई आ गया ना, छोटा आ गया भाई तो यानी हरे, ये हो गया गोल पीले, और ये आपका हो गया गोल हरे, ऐसी हो गया ये गोल पीले, ये हो गया आपका गोल पीले, ये हो गया आपका झुर्रीदार, छोटा भाई है ना, छोटा आ रहे तो झुर्रीदार, बड़ा भाई है तो पीले, झुर्रीदार पीले, झुर्रीदार पीले, ऐसी फिर ये आपका हो जाएगा गोल पीले, गोल हरे, गो झुर्रीदार पीले, और आखिरी का आएगा आपका झुर्रीदार, झुर्रीदार हरे, ठीक है। तो आपको क्या चीजें निकल के मिलेंगी कि गोल, एक गोल पीला मिलेगा आपको, ठीक है, गोल पीला के बाद आपको गोल हरा ढूंढना है, गोल हरा, गोल पीला बीज, गोल हरा बीज, ठीक है। ऐसी फिर आपको मिलेगा झुर्रीदार पीले, और फिर मिलेगा आपको झुर्रीदार हरे बीज, ठीक है। तो गोल पीले कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये आपके 9 हो गया। गोल हरे कितने हैं, 1, 2, 3, तो 3 मिल गया। झुर्रीदार पीले 1, 2, 3, और झुर्रीदार हरे 1, तो हमारा क्या निकल के आया, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप हुआ 9:3:3:1, ठीक है। तो इतना ही आपको सीखना है इसमें। यह लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं, आनुवांशिकता कार्य विधि किस प्रकार होती है, कोशिका के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना स्रोत होता है, डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है उसे प्रोटीन का जीन कहा जाता है, प्रोटीन विभिन्न लक्षणों को अभिव्यक्ति को किस प्रकार नियंत्रित करती है, इसकी हम चर्चा करते हैं। आइए पौधे की लंबाई के एक लक्षण को एक उदाहरण के रूप में लेते हैं। हम जानते हैं कि पौधों में कुछ हार्मोन होते हैं जो लंबाई का नियंत्रण करते हैं, अतः किसी पौधे की लंबाई पौधे में उपस्थित उस हार्मोन की मात्रा पर निर्भर करती है। पौधे के हार्मोन की मात्रा उस प्रक्रम की दक्षता पर निर्भर करेगी जिसके द्वारा यह उत्पादित होता है। एंजाइम इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण है, यदि यह एंजाइम प्रकीर्ण दक्षता से कार्य करेगा तो पर्याप्त मात्रा में हार्मोन बनेगा और पौधा लंबा होगा, और यदि इस प्रोटीन के जीव में कुछ परिवर्तन आते हैं तो बनने वाले प्रोटीन की दक्षता पर प्रभाव पड़ेगा और वह कम दक्ष होगी, अतः बनने वाले हार्मोन की मात्रा भी कम होगी और पौधा बुना होगा। अतः जीन लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, याद रहे जीन लक्षणों माने ट्रेट गुणों लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। यदि मेंडल के प्रयोगों की व्याख्या जिसकी हम चर्चा कर रहे थे ठीक है तो इसकी चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। लैंगिक प्रजनन के दौरान संतति के डीएनए में दोनों जनकों का समान रूप से योगदान होगा, यदि दोनों जनक संतति के लक्षणों के निर्धारण में सहायता करते हैं तो दोनों जनक एक ही जीन की एक प्रतिकृति संतति को प्रदान करेंगे। इसका अर्थ है कि मटर के प्रत्येक पौधे में सभी जीन के दो सेट होंगे और प्रत्येक जनक के एक सेट की वंशानुगति होगी। इसके तरीके को सफल करने के लिए प्रत्येक जनक कोशिका में जीन का केवल एक ही सेट होगा, जबकि सामान्य कायिक कोशिका में जीन के सेट की दो प्रतियां यानी कॉपियां होती हैं, और फिर इनसे जनन कोशिका में
इसका एक सेट किस प्रकार बनता है। यदि संतति पौधे को जनक पौधे में संपूर्ण जीनों का एक पूर्ण सेट प्राप्त होता है तो चित्र 9.5 में दर्शाया गया प्रयोग सफल नहीं हो सकता। इसका मुख्य कारण यह है कि दो लक्षण R और Y के सेट में एक दूसरे के संलग्न रहेंगे और स्वतंत्र रूप से आरित नहीं हो सकते। इसे इस तथ्य के आधार पर समझा जा सकता है कि वास्तव में एक जीन सेट केवल एक DNA श्रेणी के रूप में ना होकर DNA के अलग अलग स्वतंत्र रूप में होते हैं। प्रत्येक एक गुणसूत्र कहलाता है। अतः प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र की दो प्रतिकृतियां होती हैं, जिनमें से एक नर और एक मादा जनक से प्राप्त होती है। प्रत्येक जनक कोशिका पैतृक या मातृक से गुणसूत्र के प्रत्येक जोड़ों का केवल एक गुणसूत्र ही एक जनक कोशिका यानी युग्मक में जाता है। जब दो युग्मों का संलयन होता है तो बनने वाले युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या पुनः सामान्य हो जाती है तथा संतति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है, जो स्पीसीज के DNA के स्थायित्व को सुनिश्चित करती है। वंशानुगति की इस क्रिया विधि से मेंडल के प्रयोगों के परिमाण की व्याख्या तो हो जाती है और इसका प्रयोग लैंगिक जनन वाले सभी जीव करते हैं, परंतु अलैंगिक जनन करने वाले जीव भी वंशानुगति के इन्हीं नियमों का पालन करते हैं। तो क्या हम पता लगा सकते हैं कि उनमें वंशानुगति किस प्रकार होती है? तो देखो, क्या अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो लक्षण होते हैं, जो लक्षण होते हैं वो जीन में, यानी माता पिता के जो भी अनुवांशिक लक्षण होते हैं वो जीन में पाए जाते हैं। तो जो जीन होते हैं वही उन्हीं में सूचना या प्रोटीन की सूचना या अनुवांशिक सूचना होती है, जो जनक से अगली पीढ़ी में जाती है। तो जो DNA होता है उसका जो आधी कॉपी होती है, तो आधा जो गुणसूत्र होता है वो जनक से, आधा गुणसूत्र माता से मिलता है, और ये आधे आधे गुणसूत्र मिलकर पीढ़ी में पूरा गुणसूत्र बनाते हैं और पूरे पीढ़ी का जो संतति का जो विकास है उसमें हेल्प करते हैं, और इस प्रकार जीन के सेट पूरे हो जाते हैं और अगली संतति का जन्म हो जाता है। ठीक है, और साथ साथ माता पिता दोनों के लक्षण भी जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।